साबरकांठा जिल्ला में चालू साले चोमासु मगफळी नु उत्पादन वधता हिम्मतनगर मार्केटिंग यार्ड में मगफळी नी मबलक आवक नो दय छे। दिवाळीना तहेवारो अने नवी सीजन माटे खेडूतो पोतानो पाक वेचवा मार्केटिंग यार्ड खाते पहोंच्या छे। साबरकांठा जिल्लामां चालू साले अंदाजित 2.25 लाख हेक्टर जमीनमां अलग अलग पाकोनुं वावेतर करवामां आव्युं छे, जेमां अंदाजित 75,000 हेक्टर जमीनमां मगफळीना पाकनुं वावेतर करवामां आव्युं छे। खुल्ली हराजी माटे अधध कही शकाय तेटला साधनो लईने खेडूतो आवी रह्या छे। आम तो सरकारना टेकाना भाव करता वधु भाव मळता खेडूतोमां खुशी जोवा मळी रही छे। पहला तो रजिस्ट्रेशन ने जफा, बाद में नंबर आवे तो आ उपरांत पेमेंट माटे पण धक्का खावा पड़ता था, परंतु मार्केट यार्ड खाते वेचवा जता भाव पण सारा मळी रह्या छे, तो आ उपरांत खेडूतोने पण फायदो थई रह्यो छे। आम तो तहेवार समये खेडूतोने सारा भाव मळी रहता खुशी जोवा मळी छे, जेने लईने हिम्मतनगर उपरांत अन्य जिल्लाना खेडूतो पण अहीं पोतानो माल वेचवा आवी रह्या छे। हाल मગફળીની આવક માર્કેટ યાર્ડમાં ખૂબ પ્રમાણમાં આવી રહી છે અને ખેડૂતો મગફળી અહીંયા વેચવા માટે મજબૂર છે, કારણ કે સરકાર દ્વારા જે ટેકાનો ભાવ બધ્યો છે એમાં હજી તો રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું, ક્યારે મગફળી લે અને ક્યારે પેમેન્ટ આવે એના કરતાં અહીંયા ખેડૂતો માર્કેટ યાર્ડમાં 2-3 દિવસમાં પેમેન્ટ મળી રહેતું હોય છે। એટલે આવનારા દિવસોમાં દિવાળી આવી રહી છે, નવી વાવેતર કરવાનું છે, ખાતર બિયારણ લાવવું, એના લીધે અહીંયા ખેડૂતો માર્કેટ યાર્ડમાં ખૂબ પ્રમાણમાં આવી રહ્યા છે। आज मार्केट में आ 600-700 ट्रेक्टर नहीं है, अँ भाव पड़े जो 1100 मोड़ी 1131 सुधी भाव पड़े। माल की आवक दिवाली कारण खेडूतो आवक फूल से भाव टकी रहा है बजार में। भाई अँ मार्केट में आखा गुजरात में ऊंचा ऊंचा भाव हिम्मतनगर में पड़ता हुई वधारे वधारे खेडूतो अँ मार्केट में माल वेचवा आवे छे, माल भाव सारा मळता हुई। हाँ पैसा जैन जरूरियात हो एटले खेडूतो वेचवा माटे फूल आवे छे, पाकी जाए एटले खेडूतो खेतर में सीधा माल मार्केट यार्ड में लावे छे। पेमेंट अहीं रोकड़ू भाव मळता होय, सारा भाव मळता होय, पेमेंट रोकड़ू मळता होय, मार्केट में भाव माल वधारे आवे छे। चालू साले राज्य सरकार द्वारा टेकाना भावे मगफळी खरीदी करवानो निर्णय कर्यो छे, त्यारे मगफळीनो टेकाना भाव 1110 रूपया प्रति 20 किलोनो नक्की करवामां आव्यो छे, परंतु हिम्मतनगर मार्केट यार्ड में टेकाना भाव करता पण ऊंचा भाव मळी रह्या छे। हिम्मतनगर मार्केटिंग यार्ड में 1200 થી લઈને 1500 रूपया सुधीना भाव थी खेडूतो पासेथी मगफळीनी खरीदी करी रह्या छे, त्यारे गईकाले पण 1200 થી 1445 रूपया भाव खेडूतोने मळ्यो हतो, परंतु सरकारे नक्की करेला टेकाना भावों करता जाहिर हराजी में ऊंचा भाव मळता मोटी संख्या में खेडूतो मगफळी वेचाण माटे आवी रह्या छे। हिम्मतनगर मार्केटिंग यार्ड में प्रतिदिन 25,000 થી 30,000 बोरी की आवक नोंधाई रही है। रोजे रोज अंदाजित 500 થી 700 साधनों यार्ड में मगफळी वेचवा माटे आवी रह्या छे। साबरकांठा जिल्ला सहित आजूबाजू जिल्लाना खेडूतो पण हिम्मतनगर मार्केट में मगफळी वेचवा माटे आवी रह्या छे, त्यारे हिम्मतनगर मार्केट यार्ड में 50 થી વધુ वेपारीओ द्वारा खेडूतो पासेथी मगफळीना पाकनी खरीदी कराई रही छे। આજની માર્કેટ યાર્ડની આવકમાં 29 થી 30 હજાર બોરીની આવક છે, 600 થી 700 ટ્રેક્ટરની આવક છે, અને આજે હું નીચામાં નીચા ભાવ 1100, ઊંચામાં ઊંચા ભાવ 1425નો ભાવ પડ્યો છે, અને ખેડૂતોને સંતોષકારક ભાવ મળે છે અને સારી આવક છે, અને દિવાળીના તહેવારો આવતા હોય આવક સારા પ્રમાણમાં જળવાઈ રહી છે અને ખેડૂતોનો ભાવ સારામાં સારા મળી રહેશે। एक तरफ खेडूतोए कुदरत साथे बांथभीड़ी महामुसीबते मगफळीना पाकनुं उत्पादन कर्युं छे, परंतु सरकारना टेकाना भाव करता पण वधु भाव मळता खेडूतोनी दिवाळी सुधरी गई छे अने पेमेंट पण जल्दी मळी जता टेकानी राह जोया वगर सीधी ज ओपन मार्केट यार्डमां मगफळी वेची रह्या छे। ब्यूरो रिपोर्ट, कंदर्प गोस्वामी, अरवली समाचार, हिम्मतनगर।